दोस्तों, फाइनली आप लोग का जो पार्ट टू का एग्ज़ाम रूटीन है यूनिवर्सिटी ने वो 4 बजे के आसपास जारी कर दिया है। अधिसूचना आप लोग का जारी हो गया है कि पार्ट टू का एग्ज़ाम आप लोग का 20 तारीख से होगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि 19 के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो एक दिन बढ़ा दिया गया। 24 घंटा भी बहुत मैटर करता है। तो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम 20 से होने वाला है, ये रूटीन आप लोग का जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं रूटीन का विश्लेषण करूंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि कब कौन सा एग्ज़ाम है आप लोगों का, ऑनर्स पेपर का किस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, हर एक सब्जेक्ट का मैं डिस्कस करूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी छात्र कंफ्यूज ना हो और किसी का एग्ज़ाम ना छूटे। यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर, कि सभी को क्लियर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ऑनर्स पेपर का, सब्सिडियरी का या MIL का, तथा आपका सेंटर कहाँ पर होने वाला है। सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। स्पेशली समझ लीजिए कि रूटीन पर पूरा विश्लेषण है, एग्ज़ाम प्रोग्राम पर एक भी डाउट आप लोगों को नहीं रखना है मन में, कुछ भी आपको नहीं रहने दूंगा मैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मैंने चैनल पर आप लोगों के ऑनर्स पेपर और सब्सिडियरी का गेस्ट क्वेश्चन भी अपलोड किया है, तो अवश्य जाके देखिए और वहाँ से जितना क्वेश्चन बताया गया है वो तैयार करिए। एग्ज़ाम में पेपर आपका उसी तरह से रहेगा जो मैंने बताया है, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस करा है उसमें, सब्सिडियरी और ऑनर्स पेपर पर भी। जो अपलोड नहीं हुआ है उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके वहाँ पर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्ज़ाम रूटीन को, थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा डेप्थ में जाकर के समझने का प्रयास करते हैं। 2022 से 25 सेशन आप लोगों का हो गया, मतलब 25 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। 22 से 25 के जो छात्र हैं वो ध्यान देंगे पार्ट टू वाले। इतने दिनों से कन्फ्यूज़न का स्थिति बना हुआ था, मैंने आपको बोला हुआ था कि 10 के बाद एग्ज़ाम का रूटीन कभी भी आ जाएगा, जाके वो वीडियो आप देखिए, और वहीं हुआ। देखिए सब्जेक्ट इसमें सबसे पहले तो आपको ग्रुप देखना है कि आपका कौन सा ग्रुप है। ग्रुप ए के अंतर्गत कॉमर्स के जितने भी छात्र होंगे वो ग्रुप ए के अंतर्गत आएंगे, हिंदी ऑनर्स के छात्र, म्यूजिक ये सब्सिडियरी नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऊपर में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से उसको पढ़ना है। ड्रामेटिक्स और फिलॉसफी ग्रुप ए में आएगा, ग्रुप बी में हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और पर्सियन LSW आएगा, ग्रुप सी जूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और रूरल इकोनॉमिक्स, डी में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, ई में पॉलिटिकल साइंस, बोटनी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और सिक्स सीरियल नंबर ग्रुप एफ में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, संस्कृत। देखिए वैसे बहुत से छात्र रूटीन को समझ लेते हैं अच्छे से, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही है कि सभी को क्लियर रहना चाहिए ताकि किसी का एग्ज़ाम ना छूटे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो रूटीन पर आकर के पूरा उसको विश्लेषण करके एक एक पॉइंट को समझाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्रुप का क्या मतलब है। अब 20 तारीख को सबसे पहला एग्ज़ाम है आप लोगों का, 20 को, 20 जून ग्रुप ए पेपर 3। पेपर 3 मतलब दो पेपर आपका होगा, एक होगा पेपर 4 पार्ट टू में और एक होगा पेपर 3, दोनों 100-100 मार्क का। अगर प्रैक्टिकल होगा तो फिर 75-75 का होगा वो पेपर थ्योरी, क्योंकि आपका 50 का प्रैक्टिकल हो गया होगा। पेपर 3 आपका ग्रुप ए वालों का है, मतलब कॉमर्स वाले जो छात्र हैं वो 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से 1 बजे आपका परीक्षा होगा, आपको 9 बजे सेंटर पर पहुंचना है। एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ है ये मैं नीचे बता रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए। हिंदी ऑनर्स के छात्र फर्स्ट सिटिंग में जाएंगे, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स और फिलॉसफी, देखिए ग्रुप ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रुप ए पेपर 3, इट मीन्स आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 5ों का, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, फिलॉसफी से लेके कॉमर्स वगैरह सबका। अब इसी तरह सेकेंड सिटिंग में ग्रुप ए के बाद क्या आता है, ग्रुप बी, तो बी में देखिए कौन कौन सा विषय है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, LSW एंड पर्सियन, ये 4 ऑनर्स पेपर जिनका जिनका होगा, जिन भी छात्र छात्राओं का, उनको फर्स्ट सिटिंग में नहीं बल्कि सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, मतलब उनका एग्ज़ाम होगा 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इसमें हिस्ट्री वाले चले जाओगे, नहीं, सभी हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, LSW और पर्सियन और कॉमर्स हिंदी वाले ये सब जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में, मतलब 10 से 1 उनका एग्ज़ाम होगा। इसी तरह सी ग्रुप वाले का 20 को नहीं 21 को होगा, क्योंकि ये एक सीरियल वाइज सारा एग्ज़ाम होता है। तो ग्रुप सी में देखिए आपका कौन कौन सा आता है, जूलॉजी का आपका 21 को एग्ज़ाम होगा, सोशियोलॉजी का भी 21 को होगा, वो भी फर्स्ट सिटिंग में, साइकोलॉजी और रूरल इकोनॉमिक्स
आपको 21 को जाना है फर्स्ट सेटिंग में। इसी तरह ग्रुप डी 21 को सेकंड सेटिंग में एग्ज़ाम देने जाएंगे, केमिस्ट्री के छात्र, इकोनॉमिक्स के छात्र, इंग्लिश के छात्र, उसके बाद आपका मैथिली और उर्दू ऑनर्स के छात्र। ये सब्सिडियरी नहीं है, सब ऑनर्स पेपर वाला है। तो ये लोग कब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए? ये जाएंगे डी वाले आपका सेकंड सेटिंग में, वो भी 21 तारीख को, 20 के अगले दिन। उसके बाद 21 से लेके 26 तक कोई एग्ज़ाम नहीं है। 27 को एग्ज़ाम है, 27 को ग्रुप ई का, मतलब फिजिक्स का एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बोटनी एंड मैथमेटिक्स ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा 27 को फर्स्ट सिटिंग में, क्योंकि ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखो ये रो कॉलम बना हुआ है, इस टाइप से आप देख सकते हो क्लियरली। इसी तरह ग्रुप एफ के जितने भी ऑनर्स के छात्र हैं वो 27 को जाएंगे सेकेंड सेटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर इसी तरह से स्टार्ट होगा पेपर 4 28 को ग्रुप ए से, फिर आपका ग्रुप बी उसी तरह सेकेंड सेटिंग में जैसे स्टार्टिंग में हुआ था, फिर 29 को आपका ग्रुप सी होगा, और लास्ट में फिर जाके 1 तारीख को जुलाई में ग्रुप ई होगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस, बोटनी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। थोड़ा थोड़ा गैप दिया गया है, मतलब खासकर फिजिक्स वालों को और मैथमेटिक्स और बोटनी पॉलिटिकल साइंस वालों को थोड़ा एडवांटेज मिल गया कि उनका पहला एग्ज़ाम जो है ना वो कब होगा 27 को, लेकिन ये जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और डी, इनका एग्ज़ाम 20 और 21 को होगा। तो ग्रुप ई और एफ वाले का बल्ले बल्ले है, थोड़ा तो फ़ायदा मिल गया यहाँ पे। लेकिन हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर कि इन लोगों को 20 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 8 दिन का गैप मिल गया, ये भी है। वहीं अगर आप देखो ग्रुप ए वाले को, मतलब ग्रुप ई वाले को, तो यहाँ पे 27 के बाद सिर्फ 4 दिन का गैप मिला, तो इसको यहाँ पर मैनेज किया गया है। यहाँ पर ए का एग्ज़ाम सीधे 8 दिन बाद है, और यहाँ पर स्टार्टिंग ही हुआ ई का 27 को, और एक को आपका हो गया 4 दिन के बाद, फिर चौथा पेपर ऑनर्स पेपर 4। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे सारा कुछ, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन किया हुआ है, ध्यान से इसको देखिए, और नहीं तो फिर पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ सब्सिडियरी और जनरल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्सिडियरी जिनका भी होगा, खासकर बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी रहता है, तो 2 तारीख को इनका एग्ज़ाम 11 से लेकर के 1 बजे तक होगा, 2 घंटा। और सेकेंड सेटिंग में होगा आपका केमिस्ट्री सब्सिडियरी का, ऑनर्स नहीं सब्सिडियरी, 2 से लेकर के 4 बजे तक, एग्ज़ाम सेंटर पर 1 बजे पहुंच जाना है। 3 को साइकोलॉजी होगा और सेकेंड सेटिंग में मैथमेटिक्स सब्सिडियरी होगा। 4 को बोटनी होगा और होम साइंस होगा। बोटनी फर्स्ट सेटिंग में, इस साइड लिखा हुआ है फर्स्ट सेटिंग और इस साइड लिखा हुआ है आपका सेकेंड सेटिंग। 5 को जूलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी, फिजिक्स होगा सब्सिडियरी सेकेंड सेटिंग में। 6 को देखिए हिस्ट्री सब्सिडियरी, 6 तारीख को है, और इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका होगा सेकेंड सेटिंग में 6 तारीख को। फिर 8 को एग्ज़ाम है, इसी तरह देख सकते हैं फर्स्ट सेटिंग ये हो गया, सेकेंड सेटिंग पॉलिटिकल साइंस, पूरा यहाँ 13 तारीख तक दिया हुआ है। आप लोग का जो MIL या आरबी हिंदी का पहला एग्ज़ाम है ना वो स्टार्ट होगा 11 से। तो आरबी हिंदी का मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है नॉन हिंदी का, तो चैनल पे जाके देखिए और उसको पूरा तैयार कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में जितना मैं बताऊंगा उतना तैयार कर लोगे तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 70-80% मैच कर जाएगा, 100% का 100% मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो 10-15 क्वेश्चन इधर उधर होता है, तो वो थोड़ा खुद आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट एग्ज़ाम आपका 13 को यहाँ पर आके समाप्त हो रहा है, मतलब 13/7/2024 को आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स वाले का ग्रुप ए टू सी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि आरबी नॉन हिंदी NHN का मतलब होता है 50 मार्क वाला, MB मैथिली 50 हो गया, इंग्लिश ये 50 हो गया, मतलब ये 50-50 का है, जिनका 50-50 मार्क का होगा। 11 को फर्स्ट सेटिंग में उनका एग्ज़ाम होगा, क्लियर रहना चाहिए, ये 100 वाले का नहीं है। एक बात और, अब आरबी हिंदी ये साइंस और कॉमर्स क्या है, मतलब जो साइंस और कॉमर्स के छात्र होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, अकाउंटेंसी ऑनर्स, इनका जो 100 मार्क का जो हिंदी का परीक्षा है वो आपका 11 को सेकेंड सिटिंग में होगा, और उन्हीं साइंस कॉमर्स वाले का 50-50 मार्क का जो होता है हिंदी, मैथिली और इंग्लिश, वो सेकेंड सिटिंग में ना होकर के किस में होगा, आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो फिर आपका परीक्षा छूट जाएगा। ये 100 मार्क वाले का है आरबी हिंदी, आरबी नन हिंदी होता है आपका 50 मार्क का, ये फर्स्ट सेटिंग में और ये हो गया आपका सेकेंड सेटिंग में। इसी के साथ साथ म्यूजिक ड्रामेटिक सब्सिडियरी का भी 11 को एग्ज़ाम है। तो आरबी हिंदी जो 100 मार्क वाले होंगे वो 11 को सेकेंड सेटिंग में एग्ज़ाम देने जाइएगा, और जो नन हिंदी वाले होंगे मतलब 50-50 जिनका होगा
वो 11 को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए, इट मीन्स 10 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। चलिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 12 का भी देख लीजिएगा, 13 का भी। अगला आप देखते हैं थोड़ा, सेंटर लिस्ट फॉर कंडक्टिंग बीए बीएससी पार्ट टू एग्जामिनेशन। देखो ये जो आपको दिख रहा है नेम ऑफ द सेंटर बाएं मार्जिन में, ये है आपका परीक्षा केंद्र, मतलब आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। ये आपके कॉलेज का नाम नहीं है, जल्दबाजी में बहुत से लोग समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये कॉलेज का नाम है, ना जी, ये आपके सेंटर का नाम है जो कि क्लियरली ऊपर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। नेम ऑफ द कॉलेज मतलब आपके कॉलेज का नाम ये रहा दाएं साइड में है, ये रहा। MLSM कॉलेज, BMA कॉलेज के जो छात्र हैं वो परीक्षा देने के लिए CM साइंस कॉलेज पे पहुंच जाइएगा, आपका सेंटर CM साइंस कॉलेज दिया गया है। मारवाड़ी कॉलेज और RB जलान के छात्र जाएंगे MLSM कॉलेज, सेंटर हुआ है उनका। CM कॉलेज और MRSM कॉलेज का KS कॉलेज सेंटर हुआ है, ये सेंटर का नाम है KS कॉलेज लहरिया सराय में। तो CM कॉलेज के छात्र और MRSM के जितने भी छात्र या छात्राएं हैं वो KS कॉलेज एग्जाम देने के लिए जाना है आपको। MKS कॉलेज त्रिमोहान, एन नागेंद्र झा महिला कॉलेज और सब डिविजनल डिग्री कॉलेज बेनीपुर दरभंगा, इसका सेंटर हुआ है CM कॉलेज। CM कॉलेज पर इनको जाना है, मतलब MKS कॉलेज, इस तीनों कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह KS कॉलेज, MK कॉलेज, ये दो कॉलेज के छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम होगा मिल्लत कॉलेज पे, मिल्लत कॉलेज लहरिया सराय में। इसी तरह मारवाड़ी कॉलेज होगा सेंटर CM साइंस का और LCS का, दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा, मारवाड़ी कॉलेज। नागेंद्र झा महिला कॉलेज होगा JN कॉलेज नेहरा का, सिर्फ एक कॉलेज का सेंटर दिया गया है नागेंद्र झा महिला कॉलेज, और यहाँ पे देखिए तीन तीन कॉलेज का सेंटर यहाँ पे एक जगह दिया गया है, इसी तरह रहता है दो तीन चार करके। JK कॉलेज बिरोल, बहरा कॉलेज के छात्र, JD कॉलेज कोर्थू के और RJDS कॉलेज लगमा के छात्र जाएंगे बिरोल परीक्षा देने के लिए। इसी तरह MMTM कॉलेज जाएंगे MK कॉलेज दरभंगा। देखिए MG कॉलेज का सेंटर हुआ है LCS कॉलेज, और MRM कॉलेज महिला कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, और QAD कॉलेज जाले, इसका सेंटर हुआ है MMTM कॉलेज कठलवारी दरभंगा। इसी तरह मधुबनी का भी आप लोग देख सकते हो, DB कॉलेज जयनगर और JMDPLM और JN कॉलेज का सेंटर हुआ है RK कॉलेज मधुबनी। इसी तरह ये आपका सेंटर हो गया, ये दो कॉलेज का सेंटर यहाँ पे, इसी तरह ये दो कॉलेज का सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे देखो चार कॉलेज का सेंटर बनाया गया है RK कॉलेज मधुबनी सबसे स्टार्टिंग में, देखिए रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है। इसी तरह देखो यहाँ पर दो कॉलेज का नाम जिसका BM कॉलेज रहिका दिया है मधुबनी में, KVSC कॉलेज और RNJD कॉलेज। यहाँ पर ये कंट्रोलर का साइन हो गया कि हाँ ये फेक नहीं है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, चार जिला आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी एंड दरभंगा, तो चारों जिला का यहाँ पे बताया गया। इसी तरह समस्तीपुर के छात्र यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, UP कॉलेज के और KCR कॉलेज के, यहाँ आपका LKVD कॉलेज ताजपुर में आपका सेंटर हुआ है, यहाँ ये देख सकते हो आप इस तरह से, ये आपके सेंटर का नाम है, जैसे जैसे एरो में कर रहा हूँ, ये कॉलेज का नाम हो गया और इधर आपका हो जाएगा सेंटर का नाम। बेगूसराय का हो गया, देखिए RCS कॉलेज मंझोल और SBSS कॉलेज का GD कॉलेज बेगूसराय दिया गया है। RBSS कॉलेज तियाई का आपका दिया गया है सेंटर, दिया गया किसका किसका, RCSS वाले का, हाँ एक ही सेंटर दिया गया है यहाँ पे, एक एक करके ही बस है। और यहाँ पे GD कॉलेज, तीन कॉलेज का सेंटर दिया गया है, SBSS, RCS और रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि एक भी कंफ्यूजन यहाँ से नहीं रहना चाहिए, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ग्रुप AB कब आपका एग्ज़ाम है, CD कब आपका एग्ज़ाम है, EF का एग्ज़ाम कब है, सब्सिडियरी का एग्ज़ाम कब है, MIL का एग्ज़ाम कब है, साथ में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। देखिए ये चीज़ में मिस्टेक करिएगा तो फिर एग्ज़ाम छूट सकता है, ये ना हो कि सेंटर कहीं पर हुआ और पहुँच कहीं गए आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि इंटरप्रिटेशन अच्छे से किया जाए ताकि किसी के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर अपना राय बताइएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ उसका PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, साथ में यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन वगैरह भी वहाँ पे भेजा जाता है। हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।